दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चों को खाना खिलाना। बच्चों का दिमाग हमेशा बाहरी खाने पे लगा रहता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है खाने में, लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, ये हम सभी को पता होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए कुछ खास स्नैक्स। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे नाचो। नाचो बनाना बहुत ही ईजी है, मार्केट में नाचो मिलता है लेकिन वो बहुत ही अनहेल्दी होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है मसालों के नाम पर। लेकिन आज जो नाचो हम बनाएंगे वो घर में बनाएंगे, वो बहुत ही क्रंची होगा, बहुत ही फ्रेश होगा और बहुत ही डिलीशियस होगा। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, अगर रेसिपी आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड अमूल नाचो बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम लेंगे सबसे पहले बेसन एक कटोरी, जो नाप में 50 ग्राम है। फिर हम लेंगे गेहूं का आटा, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होगा बच्चों के लिए, एक कटोरी। अब फ्रेंड हम तो फ्रेंड जितना हमने गेहूं का आटा और बेसन लिया था उतना ही हम लेंगे मैदा। अब इसमें हम डालेंगे ये नमक और मिर्चा और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला। अब फ्रेंड हम इसमें डालेंगे अमूल बटर एक चम्मच, और अमूल बटर डालने के बाद हम इसे थोड़े से गुनगुने पानी से इसका एक डो बनाएंगे। अब फ्रेंड इसमें हम कलर के लिए थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा रेड हो। बच्चों को थोड़ा सा रेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब थोड़ा बचा पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे हाथ से और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड हमें इस तरह से डो तैयार करना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह से बीच का डो आपको तैयार करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये डो, ये देखिए इस तरह से इतना आपका डो होना चाहिए। तो फ्रेंड अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालकर हम इसे इस तरह से लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रंची बने जब हम इसे तलें। तो फ्रेंड हमारा डो तैयार है, अब इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये फूल जाएगा और अच्छी तरह से बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं इसे छोड़ने वाली हूँ। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा डो एकदम बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम काउंटर पर रखेंगे और इसे हाथ से मस लेंगे। तो फ्रेंड ये काम आपको बहुत ही बेसन के साथ करना है, क्योंकि इसे करने में आपको 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको आटे को अच्छी तरीके से सेट करना है। जितनी अच्छी तरीके से आपका आटा, तो फ्रेंड इसे आपको करते रहना है कम से कम 3-4 मिनट तक ताकि ये अच्छी तरह से गुन जाए। तो फ्रेंड ये देखिए आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया है। अब इसके बाद हम इसे अपने बाउल में रख लेंगे और इसकी लोइयां बनाएंगे इस तरह से, और इसकी हम 3 लोइयां कर लेंगे। अब फ्रेंड हमें थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, तो सूखा आटा हमने ले लिया है। अब हम लोई लेंगे इस तरह से और अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और लोई को थोड़ा सा चिकना करेंगे इस तरह से, और फिर इसके बाद हम इसे इस तरह से लगा लेंगे और इसे बेलेंगे। तो फ्रेंड आटा लगाना बहुत ज़रूरी है और इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला बेलने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड ये देखिए बेल गया है ये,
इस तरह से थोड़ा सा हम इसे और पतला कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको इतना मोटा रखना है इसे इस तरह से। तो ये हमारा एक बिल गया है, इसको हम साइड में कर देंगे और अपना दूसरा लेंगे। दूसरा लेने के बाद हम फिर से हथेली पे घी लगाएंगे और फिर इसको चिकना करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इस तरह से इसको हम करके इसको सूखे आटे पे लगा लेंगे और फिर इससे भी हम बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स सूखा आटा लगाने से नाचो बहुत ही क्रंची बनेंगे और इसमें एक लेयर सी अच्छी सी आएगी। तो फ्रेंड ये देखिए इसको भी हमने बेल लिया है इस तरह से। तो फ्रेंड ये भी बिल गया है, इसको भी हम साइड में कर लेंगे। अब इसके बाद हम तीसरा लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे हथेलियों पे और इसको इस तरह से कर लेंगे। और लास्ट वाला जो पेड़ा होता है उसको आप थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो इसको लेकर हम इसे भी बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स सेब की चिंता ना कीजिए क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है तो सेब में थोड़ी सी कमी हो सकती है। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। तो फ्रेंड तीनों बिल गए हैं। अब इसके बाद तीनों ये देखिए रेडी हैं। अब इसके बाद हम एक लेंगे जो सबसे मोटा वाला है और फिर इसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे और घी लगाकर हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। और फैलाने के बाद हम इसे दूसरे वाले पे भी घी लगाएंगे और इसे भी इस तरह से फैला लेंगे। तो फ्रेंड जिस तरह से हमने घी लगाया है उस तरफ से हम इसको नहीं चिपकाएंगे, इस तरह से चिपकाएंगे। और फ्रेंड तीसरा वाला जो रोटी थी उस पर भी हम घी लगा लेंगे इस तरह से और हम घी लगाने के बाद इसको भी फैला देंगे और इसके बाद इसको इस तरह से इस पर रख देंगे। तो फ्रेंड तीनों को हम इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये सेट हो जाएं अच्छी तरह से। और फ्रेंड ये देखिए सेट हो गए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा काउंटर पे डालेंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसको पलटेंगे और बेलन के सहारे से हम इसे इस तरह से बेल लेंगे एक बराबर। बस ख्याल ये रखना है कि इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। इस तरह से हमने इसे बेल लिया है, ये इतना मोटा है इस तरह से। अब इस तरफ से भी हम इसको इस तरह से बेल देंगे फिर इसके बाद हम इसे पलटेंगे और ये रेडी है। तो ये बिल गया है। अब इसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर लगाकर इस तरह से इसको चम्मच से कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए, ताकि ये और टेस्टी बने। तो फ्रेंड ये बिल्कुल तो फ्रेंड ये बिल गया है। अब इसके बाद हमने इसे गरम मसाला भी लगा दिया। अब इसके बाद एक कटोरी लेंगे गोल शेप की और इसको हम इस तरह से सेव करेंगे। और इसे निकाल लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब फ्रेंड इसे हम हटा देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद हम इसे हल्का सा बेलन से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम चक्की लेंगे और इसे इस तरह से कट करेंगे और ये इस तरह से हो गए हैं। अब इसके बाद इसे भी हम इस तरह से करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से करेंगे। अब ये वाला भी हम इस तरह से करेंगे और इसे भी हम अब इसके बाद हम इसे अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए तैयार है। अब इसे हम तलने लग अब इसे हम तलते हैं।
तो ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना मार्केट जैसे नाचो। आइए इसे फटाफट फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने पहले से रख दिया था। नाचो बनाने के लिए आपको कढ़ाई का तेल बहुत अच्छी तरह से गरम करना है, अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा तेल हीट हो रहा है। इसके बाद हम इसमें अपने नाचो को डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से उभरे रहते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बन रहा है। अब इसे हम पलट लेंगे। फ्रेंड देखिए बिल्कुल लग रहे हैं मार्केट जैसे, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और मैंने किस तरह बनाया उसी तरह आप बनाइएगा। तो फ्रेंड ये रेडी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड तैयार है हमारे नाचो, ये देखिए कितने क्रंची बने हैं इसके। तो फ्रेंड तैयार है हमारे नाचो, ये देखिए कितने क्रंची बने हैं, इसकी लेयर पूरी पक गई है। ये बहुत ही डिलीशियस है। आपको अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।